अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंस अकेडमी। अब असो लास्ट लेक्चर हों नाइट जो लेक्चर नंबर 17 सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स हाँ जी सो एंट्री टेस्ट में जी अजा जहाँ प्रॉब्लम्स बुक में मतलब उनके यानी बॉयल्स आदि प्रॉब्लम इन एयर स्टोरेज टैंक हूज वॉल्यूम इज 112 लीटर्स कंटेन्स 3 किलोग्राम ऐसो हाँ अस एयर स्टोरेज जाहिर के अंदर गैस मालिक्यूल्स मौजूद है हाँ इनिशियल मास जो अंदर आ इन वन 3 किलोग्राम ओके एट एयर प्रेशर ऑफ अंदर 18 जो पे प्रेशर है 18 एटीएम जाहिर अंदर एक एयर टैंक जैमें 3 किलोग्राम एयर भरी पी अंदर प्रेशर ठहे पो 18 एटीएम याद रखें ओके हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स्ड ये तो केतरी एयर वधीक इजाफी अंदर फोर्स कंदासी इनटू द टैंक टू इंक्रीज प्रेशर 21 एटीएम जे तो हाँ वधीक इजाफी असां केतरी एयर अंदर दाखिल कयूं जो प्रेशर 21 एटीएम थी वे 21 एटीएम प्रेशर थी वे Assume the change in temperature. लाल में बॉयल स्लाइड टेम्परेचर असो सागो ही रहो इनिशियल टेम्परेचर जो इनिशियल मास ते 3 किलोग्राम हानि वधिक इजाफी असा गैस इन कंदासी माना एयर इन कंदासी वधिक तो असा के प्रेशर अर्डन में 21 थी वे तो बुधायो तो असा इजाफी इन में मास केतरो ऐड कंदासी तो बाबा खबर आ तांके दिसो सॉल्यूशन P1V1 upon T1 is equal to P2V2 upon M2 and pressure jo pehre wa 18 volume lazmiya fixed air cylinder jo low jay thi nan jo volume ghat vadh na thi do ame ke volume 112 liter hai mana pehre volume sagu hai एयर फोर्स करण का वॉल्यूम उन सागो V1 V2 सागो ठीक है प्रेशर 21 करण वॉल्यूम सागो 112 अपान पे मास ने जो 3 kg हाँ जाहिर जी मल प्रेशर 21 एटीएम तो हाँ टोटल मास जो M2 बाबा 12 में कैंसिल की बचंद 6 is equal to 21 upon M1 तानी ही याद रखे छो M2 यो M2 बराबर थी वही 3.5 kg M2 बराबर थी वही पते करने जो द 3.5 kg हाँ जी मल 18 ATM टेम्परेचर हो यानी प्रेशर हो तो अंदर मास 3 किलोग्राम हो हाँ इजाफी मास यानी जी मल प्रेशर 21 ATM टोटल मास अंदर 3.5 किलोग्राम माना हिंसर टोटल अंदर एयर जो मास साढ़ा 3 किलोग्राम जैसे प्रेशर 21 ATM थी ते ऑलरेडी पेको सो अंदर मास 3 किलोग्राम हो हाँ टोटल मास है 3.5 किलोग्राम असा केतरो इजाफी तो असो चे मास चेंज कयो M2 - M1 असो मास अंदर इजाफी विधो बाबा 3.5 - इनिशियल मास 5 हो तो अस इजाफी मास जो इंटर कयो वो 0.5 किलोग्राम तो असो एंसर ही आयो यानी त 3 किलोग्राम ऑलरेडी मास मौजूद हो एयर जो 18 ATM प्रेशर हो हाँ असा
ओवरऑल अध किलोग्राम वधीक मास इंटर किया तो टोटल मास 3.5 थी तो माना अध किलोग्राम वधीक इंटर करने से अंदर प्रेशर 118 थी तो यो प्रॉब्लम थोड़ो सॉल्व कर छो थोड़े उन ट्राई कर छो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो असो थर्मोडायनामिक्स यानी सिकल आती है दैट इज अ सिस्टम ऑब्जर्व 100 जूल ऑफ हीट हिकड़ो सिस्टम आ जो 100 जूल हीट जो है सो ऑब्जर्व तो करे पे सिस्टम ऑब्जर्व हिकड़ो सिस्टम आए अस यो टोटल 100 जूल यानी जी हीट है वह 100 जूल ऑब्जर्व तो करे सॉरी 1000 जूल 1000 जूल ऑफ हीट एनर्जी एंड डिलीवर 600 जूल ऑफ वर्क जाहिर या पिस्टन मथे तो वे जो वर्क थे तो ओवरऑल वो यानी डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 600 जूल्स पर वरी बे पास वाइल लूजिंग 100 जूल ऑफ हीट बाय कंडक्टिंग लाजमिया सिंक में जिका ऐसा हीट क्यू टू जिका एक्सपेल थी खाट थी क्यू टू आ 100 जूल हाँ ओवरऑल 100 जूल हीट ऑब्जर्व थी 100 जूल हीट खारिज थी तो जिका इस्तेमाल थी हीट 1000 माइनस बाबा 100 तो जो अमाउंट हीट जो बाकी अंदर रहे तो वो है 900 जूल वो 900 जूल जो 1000 जूल दिनी सी तो 100 जूल वापस थी तो बाकी जो नेट अमाउंट वो 900 जूल हाँ 900 जूल अस ला इस्तेमाल कंदासी हीट बाय कंडक्टिंग यानी 100 जूल ऑफ हीट बाय कंडक्टिंग टू द एटमॉस्फेयर कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हाँ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में तब्दीली कितनी आई वाट अस खबर कानून मुताबिक सेकंड फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू हाँ हीट जो अमाउंट है वो 900 जूल इज इक्वल टू डेल्टा यू वर्क थे 600 जूल तो डेल्टा यू इज इक्वल टू 900 माइनस 600 तो बाबा डेल्टा यू इज इक्वल टू 300 जूल हीट यानी इंटरनल की अंदर इंक्रीज थी माना इंटरनल की इंक्रीज जी थी वह 300 जूल थी आंसर अड़े नमूने से प्रैक्टिस कर छो नंबर थ्री जो प्रॉब्लम है दैट इज थर्मोडायनामिक सिस्टम अंडर गोज प्रोसेस इन विच इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीज बाय 300 जूल माना एक थर्मोडायनामिक सिस्टम आसो उन में थर्मोडायनामिक सिस्टम हुआ यानी सिलेंडर चे तो थर्मोडायनामिक सिस्टम अंडर गो द प्रोसेस इन विच इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीज बाय अमाउंट हाँ इंटरनल एनर्जी डिक्रीज थी माना डेल्टा यू माइनस में मिली हुआ 300 जूल एनर्जी डिक्रीज थी डिक्रीज थी माना निगेटिव लिखना ओके इफ एट द सेम टाइम 120 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम वर्क इज डन ऑन द सिस्टम माना बाय द सिस्टम ना ऑन द सिस्टम माना डेल्टा डब्ल्यू 120 जूल या निगेटिव माना वर्क कर तो वे सिस्टम से इंटरनल एनर्जी अंदर रिड्यूस थी रही है वह निगेटिव लिखासी डन ऑन द सिस्टम फाइंड द हीट ट्रांसफर्ड टू आर फ्रॉम द सिस्टम चे तो फाइंड कर तो हीट सिस्टम के मिले थी या सिस्टम का खारिज था कहीं ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम आर फ्रॉम द सिस्टम हाँ जो बाबा डेल्टा क्यू जो वैल्यू अचे तो जॉजिटिव इंदो तो हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम आ जो डेल्टा क्यू असो निगेटिव इंदो तो हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सिस्टम माना हीट एक्सपेल थी थे खारिज थी थे कानून मुताबिक ऐसो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू फॉर्मूलो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हाँ डेल्टा यू निगेटिव आ माइनस 120 जूल डेल्टा डब्ल्यू सॉरी
डेल्टा यू जहाँ असि माइनस 300 जूल वर्क भी निगेटिव माइनस 120 जूल यो थे वे डेल्टा क्यूब इक्वल टू माइनस 420 जूल माना निगेटिव वैल्यू आयो इन मतलब आए तो हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सिस्टम माना सिस्टम हीट खारिज कई सिस्टम हीट एक्सपेल कई याद रखी छोड़ी निगेटिव साइन छोड़ी कर सिस्टम हीट खारिज कई ओके 120 420 जूल हीट जो सिस्टम खारिज फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ कार ना इंजन वर्किंग बिटवीन 150 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री माना ये है सोर्स का टेंपरेचर ये सिंक का टेंपरेचर इनके सेल्सियस में केल्विन में कन्वर्ट कर दो 150 में 273 रेड कर दो तो 423 है 50 में 273 रेड कर दो तो 323 है तो असा जो फॉर्मूलो अप्लाई कंदासीं सिंपल गाल है एफिशिएंसी बराबर है 1 माइनस टेंपरेचर ऑफ सिंक अपॉन टेंपरेचर ऑफ सोर्स इनटू 100 तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस टेंपरेचर असा केल्विन में इस्तेमाल कंदासीं यह है सिंक जो टेंपरेचर जो घट हों 323 अपान बाबा यह है सोर्स जो टेंपरेचर जो 423 423 हाँ सिंपली इंटू 100 हाँ तुम कह बाबा तुम ये होमवर्क कहो तुम होमवर्क है तुम ये वैल्यू छो जो वैल्यू अच्छे डिफरेंस कर 100 से मल्टीप्लाई कर एफिशिएंसी जो मिली इनकी वह 23 वह 23.6% मिली तक यो तुम ट्राई कर छो सिंपल है शूं तेरे नोटिस में होजन तो ये शूं तेरे सॉल्व करनी पानी या प्रैक्टिस करनी है मुसलसल उन्हें वही तक क्लियर तो हल उन एक्सरसाइज जो सॉलिड एग्जाम्पल ही एक्चुअली सॉलिड एग्जाम्पल 11.2 सॉलिड एग्जाम्पल 11.6 सॉलिड एग्जाम्पल 11.7 और ये सॉलिड एग्जाम्पल 11.8 फाइंड जाके यू कयो सी और एक्सरसाइज है यानी प्रॉब्लम नंबर 11.1 प्रॉब्लम नंबर 11.1 जी एक्सरसाइज जो प्रॉब्लम आयो तो नॉर्मल टेंपरेचर ऑफ बॉडी इज 98 डिग्री फारेनहाइट व्हाट इज दिस टेंपरेचर ऑन सेल्सियस स्केल हाँ फॉर्मूलो तुको डिग्री सेल्सियस माइनस डिग्री फारेनहाइट अपान तुम सो तो इनमें ये तुम फॉर्मूलो ठाओ याद रखो तो डिग्री सेल्सियस माइनस 28.0 ही डिवीजन्स 100 हुई अदर स्केल असो फारेनहाइट आ डिग्री फारेनहाइट माइनस 30 अपान 180 नंबर ऑफ डिवीजन्स यो था डिग्री सेल्सियस अपान 100 इज इक्वल टू 1/180 तवा ही बाकी शयूं यानी अलग क्यों फार्मूलो तुम ठाओ 100 मथे वो तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल 100 ओवर 180 डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 तुम बाबा असा वैल्यू मिले फारेनहाइट में मिले ओके तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 थी हाँ फारेनहाइट में वैल्यू तुम यानी ये फॉर्मूलो तुम इस्तेमाल डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 हाँ फारेनहाइट में वैल्यू है तुम 98.4 माइनस 32 हाँ सिंपल गाल 98.4 तो पे डिफरेंस प्रिंट छा डिफरेंस डिफरेंस का 5 से मल्टीप्लाई कर डिफरेंस के 9 से डिवाइड कर जवाब जो मिलो ये जवाब तुम 36.88 डिग्री फार डिग्री सेल्सियस माना ये जवाब तो इनके ये ब्रेकेट छड़ी है पे ये ब्रेकेट आ पे ये पे ब्रेकेट छो डिफरेंस के डिफरेंस के 5 से मल्टीप्लाई कर 9 से डिवाइड कर डिग्री सेल्सियस में वैल्यू हों ट्राई कर तो इंसान बॉडी जो यानी नॉर्मल टेंपरेचर अस क्लिनिकल थर्मामीटर में चेक कर तो वो केतरो हों
Problem number eight. Exercise there is increase of internal energy by 400 joule. And 400 joule internal energy increase thi. Mana increase mana positive value. 400 joule. Okay. When 800 joule of work. Yani problem number eight aayi. Then the work kitna hoti 800 joule. 800 joule requires work. Work is done by the system on a positive value. What is the amount of heat supplied during this process? So heat ke three supply ke in the process duran. The simple arrangement of first law of thermodynamics, that is equal to heat supplied to the system is equal to sum of increase in internal energy plus work done by the system. So heat supply ke internal energy 400 joule thi vadhe pahi plus heat. वर्क डन थी 800 जूल असम टोटल हीट जगह सप्लाई की सा 1200 जूल हीट सप्लाई की तो यू आंसर तवा जो या प्रैक्टिस कर छ जो उन्हें का हो है सम जो नेक्स्ट प्रॉब्लम भी हुआ सो प्रॉब्लम नंबर 11.9 हीट इंजन परफॉर्म्स सो रन हीट इंजन परफॉर्म्स 200 जूल ऑफ वर्क इन ईच साइकिल एंड on each cycle may who work perform the kare delta w is equal to bus joule. Your problem number 11.9. okay, a heat engine performs 200 joule of work in each cycle and has efficiency of 20% and the efficiency jika is equal to 20% for each cycle of operation, how much heat is absorbed and how much heat is expelled. Mana ye to har ek cycle duran mana piston mathe vani to moti do je har ek cycle duran heat in ke tri di de ani heat q2 khar ke tri di de the heat in ke tri di de heat out ke tri di ani pehla so formula sound efficiency jo is equal to ई तांगे खबरात इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू मना एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट जो को वर्क डन जिसको तो मैं इनपुट जो का हीट सप्लाई करना है इन 200 खबरात आगे और एफिशिएंसी आए 20 इज इक्वल टू वर्क आए 200 जूल अपॉन हीट सप्लाई कितनी दा क्यों इन्हें कैसा मालूम था क्यों ये 100 खड़ी चोते तो 20 और 100 इज इक्वल टू 200 over Q1 तो बाबा ये तां जो वैल्यू जी को आए सो ये ने 0.20 is equal to 200 over Q1 तो Q1 is equal to 200 over 0.20 तो बाबा Q1 is equal to ये चीज़ होनी तां जो 1000 joules और 1000 जूल तां हीट सप्लाई था क्यों एंड सिंपल गल हजार जूल जी हीट सप्लाई था के तो वर्क में 200 जूल वर्क डन में इस्तेमाल थी वही तो बाकी एक्सपेल थी 800 जूल तान सुन तो वरी हीट खारज के थी थी तो ही याद रखे जो तो हीट सप्लाई की सी क्यू वन अमाउंट हीट तो सप्लाई थी आने वरी नाव डेल्टा डब्ल्यू पाने की खबर आ तो हीट सप्लाइड माइनस हीट एक्सपेल्ड ठीक है तो ये फार्मूला इस्तेमाल करना दी तो हीट एक्सपेल के थ्री दी यानी वर्क का ये 200 जूल हीट सप्लाई के इसी 1000 जूल माइनस Q2 तो बाबा ये थी दो बनी 200 माइनस 1000 इज इक्वल टू यानी माइनस Q2 तो ये थी होनी माइनस 800 इज इक्वल टू माइनस Q2 माइनस माइनस में कैंसिल तो हीट एक्सपेल इज इक्वल टू 800 हीट जी का खारिज थी या हीट खारिज थी तां जी 800 ओके तो यो आंसर थी वनी या प्रैक्टिस कर लो यो प्रॉब्लम इन एमपी टेस्ट में जनरल प्रॉब्लम नाना प्रॉब्लम सन ए उन्हें का पोए
हीट इंजन परफॉर्म्स बस जूला वर्क अच्छा यू पी ओ सी सा हाँ जो हीट इंजन ऑपरेट्स प्रॉब्लम नंबर 11.10 माना यारह चैप्टर जो डॉ प्रॉब्लम हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस एंड 300 डिग्री सेल्सियस वॉट इज मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर द इंजन यो मान जी हिंट दे सुझाव ते ऐसो बाबा हीट इंजन बिन टेंपरेचर डिफरेंस से माना सिंक जो टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस तो सोर्स जो टेंपरेचर 300 इन बिन्हीं के कन्वर्ट करो तदर के छो टी वन इज इक्वल टू 300 जैमें तेहत्तर एड कौ टी टू जो है सो है 25 डिग्री सेल्सियस जैमें तेहत्तर एड कौ हाँ जी भी एडिशन अचे फॉर्मूलो इस्तेमाल कौ एफिशिएंसी इज इक्वल 1 माइनस सिंक जो टेंपरेचर सोर्स जो टेंपरेचर इंट 100 हाँ एफिशिएंसी इज इक्वल टू तबा ई वैल्यू जो एड कर रखो मथ वैल्यू अपान मिल कौ ही छाइन पैर ये रेशो छाए 1 में डिफरेंस करो वैल्यू बचे ये जो वैल्यू बचो वो हों तुम यानी 0.48 तुम्हारी वैल्यू 0.48 100 मल्टीप्लाई कौन तो तुम्हें 48% यो एंसर तुम्हो ये ट्राई कर ओके हाँ ये प्रॉब्लम्स जी से तकरीबन अचान जड़ा प्रॉब्लम्स तुम्हारी प्रैक्टिस लाजमी ना तो ये सागी रकम दियन पर यो पैटर्न तुम ट्राई कौ इन पैटर्न तुमकिन को प्रॉब्लम में क्लू मिली वे प्रैक्टिस जारी रही ये काफ़ी शुरू तुम क्लियर थी ये असो चैप्टर बाबा इतने अस पू हाँ नेक्स्ट चैप्टर असो चैप्टर नंबर 12 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हों तेस तीन तक भी मुख्तलिफ किस्म जहाँ क्वेश्चन पेपर पुराना ये जी भी एंट्री टेस्ट में अस मुख्तलिफ टेस्ट उठा रहा हूँ वह शायद घरन में पल हों या पाँच फ्रेंड्स का ये शेयर कर हल कर मार्केट में कुछ बुक्स अव तो यह शेयरिंग कह रहो ये प्रैक्टिस कह रहो यो ना तो वीडियो ऐसी पान के अखावर समझो सब कुछ अची वो असें जेस तीन तुम बुक के प्रैक्टिस ना कौन जेस तीन पा होमवर्क न कौ ये शूं जेस तीन पा सॉल्व न कौ तेस तीन लाजमी अस कमजोर हों कोशिश कर ट्राई कर में वे बुक्स के टाइम दियो पेपर खाली पेपर के टाइम दियो उन प्रैक्टिस कर प्रॉब्लम्स की मुख्तलिफ़ ऐसो तो कड़े किस्म जहाँ पैटर्न के क्या अचन पे सभी हल कह रहो इंशाल्लाह तुम सक्सेस तो असो चैप्टर नंबर 11 इतने वाइंडअप थो अस नेक्स्ट जो चैप्टर हों 12 चैप्टर हों तेस तीन ख्याल कजो ख्याल हाफिज़ हेलो हेलो